दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चादर में सिमटा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर खराब मौसम और अन्य संबंधित मुद्दों के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से लगभग 34 घरेलू उड़ाने में देरी हुई। हवाई अड्डे पर विभिन्न गंतव्यों से आने वाली 12 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 जनवरी को बनने वाले सिस्टम से हिमालय में पहली सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। लगातार दिल्ली में सर्दी का जो है सिलसिला जारी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि शिमला से ज़्यादा ठंड अब दिल्ली में पड़ने लगी है। अगर आप दूर दराज से दिल्ली में आ रहे हैं, किसी और राज्य से दिल्ली में आने का आपका अपना कोई प्लान है, तो आप सबसे पहले सर्दी को देख लें और अपने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करने के बाद ही दिल्ली का रुख करें। कहा जाता है कि जब सर्दी बढ़ने लगती है तो लोग पहाड़ों का रुख करने लगते हैं बर्फबारी देखने के लिए। कोई जम्मू कश्मीर जाता है, कोई पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है, या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, कि दिल्ली का दिन अगर आज और कल की बात करें तो सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर इस तरीके से पड़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ती हुई ठंड को लेकर लोगों का सुबह सुबह ऑफिस जाना बड़ा मुश्किल भरा हो रहा है। लोग अपने दफ्तरों से जब घर के लिए निकलते हैं तब भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जब बात फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की होती है उनके सामने भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरीके से जो खुले आसमान के नीचे गरीब तबके के लोग, असहाय लोग जब अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सामने भी कई प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। बढ़ती हुई ठंड को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि रैन बसेरे का इंतजाम यहाँ पर किया जाए, ताकि लोगों की जो समस्या है उसको कम किया जाए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, लगातार कोशिश ये यहाँ की सरकारों की जा रही है कि बढ़ती हुई ठंड और गिरता हुआ जो पारा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। जो लोग बेसहारा हैं, जो सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को कैसे यहाँ पर इस ठंड से बचाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाया जा रहा है, लगातार यहाँ पर रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाए। मैं बिलाल मलिक, कैमरामैन आदित्य के साथ, नेशन न्यूज 10, नोएडा।